नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, हाल की परिस्थिति से आप कोई भी अनजान नहीं है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से हमारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। यानी कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स थे वो या तो फिर भर चुके हैं या तो फिर उसमें जगह नहीं बची है। तो अब लोगों का ध्यान प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है और बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना की ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम से कम 2 या 3 लाख के आसपास का होता है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार के लिए ये खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल है। किसी परिवार के 2 या 3 सदस्यों को अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसका सबका मिला के भी जो खर्चा होता है वो कम से कम 5 या 6 लाख तक हो जाता है और किसी भी परिवार के लिए इतना बड़ा खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो इसके लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से एक कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि इसको कैसे खरीदी जा सकती है और इसे कैसे क्लेम की जा सकती है, ये भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये शुरू करते हैं कोरोना कवच पॉलिसी ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी है 18 से लेकर 65 साल के कोई भी एडल्ट्स और अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो 1 दिन से लेकर 25 साल तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। ये पॉलिसी टाइप है इंडिविजुअल और फ्लोटर, दोनों प्रकार की पॉलिसी आप खरीद सकते हो। इसमें सब इंश्योर्ड का ऑप्शन है 50,000 से लेके 5 लाख तक और पॉलिसी टर्म है 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। इसमें कोई एनुअल पॉलिसी नहीं है। इसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा। वेटिंग पीरियड 15 दिन का है, यानी कि अगर इस 15 दिन के अंदर आपको कोई भी होता है पॉलिसी लेने के बाद तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड है, तो जिसने जिसके नाम पर पॉलिसी ली गई वो सेल्फ, उसकी बीवी या तो फिर पति या पत्नी, उसके पेरेंट्स या तो फिर पेरेंट्स इन लॉज। डिपेंडेंट चिल्ड्रन में 25 साल तक का उसके चिल्ड्रन या तो फिर 18 साल के ऊपर है और कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है या तो फिर जॉब करता है, तो ये सारे अंदर उसके अंदर कवर होते हैं फैमिली में। इसके अलावा किसी और को भी आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब बात करेंगे कवरेज की। तो कवरेज में हॉस्पिटलाइजेशन कवर, रोड एम्बुलेंस, होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंस अप टू 14 दिन और इसमें साथ में उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आयुष ट्रीटमेंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन लेकिन वो 15 दिन के अंदर का, मतलब 15 दिन के पहले का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि वो 30 दिन आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो ये है इसका कवरेज। अब ऑप्शनल कवर में देखते हैं तो हॉस्पिटल डेली केयर, यानी कि कंपनी आपको आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 0.5% हर रोज पे करेगी जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट है, मैक्सिमम 15 दिन के लिए। यानी कि अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड वाला, यानी कि अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो कोरोना कवच पॉलिसी तो आप, और अगर आपको एडमिट होना पड़ता है तो 0.5% यानी कि दिन के आपको 2,500 रुपये 15 दिन तक आपको मिल सकते हैं। एक्सक्लूजन में बात करें तो कोरोना के अलावा और कोई भी बीमारी इसके अंदर कवर नहीं होती है। कोई भी OPD डे केयर ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर नहीं होती है। भारत के बाहर में अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। और कोरोना का टेस्ट अगर आपने गवर्नमेंट रिकग्नाइज सेंटर में नहीं करवाया है तो भी इसके अंदर आप एलिजिबल नहीं हैं। गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा अगर कोई भी कंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ट्रैवलिंग के लिए और वहाँ पर जाते हैं और आपको अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी आपको इस पॉलिसी के तहत क्लेम नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक एक्सपायरी, पॉलिसी पीरियड ख़त्म होने के बाद ये पॉलिसी ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है और अगर किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर ली गई पॉलिसी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकती है। माइग्रेशन एंड पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और कोई भी फ्री लुक पीरियड भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं प्रीमियम के रेट्स, यानी कि ये पॉलिसी के लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है। इस टेबल को देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये पहला टेबल जो है वो बेस कवर का है। यहाँ पर सम एश्योर्ड 50,000 से लेके 5 लाख तक दिया गया है। इसमें 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की टर्म दी गई है और एज वाइज स्लॉट दिया गया है 0 से लेके 45 साल तक, 46 से लेके 65 साल तक और 65 साल के ऊपर। तो यहाँ पर सपोज आपकी उम्र 45 साल से कम है और आपको 50,000 रुपये का इंश्योरेंस लेना है तो 3.5 महीने के लिए उसका प्रीमियम होगा
₹350, 6.5 महीने के लिए होगा ₹420 और 9.5 महीने के लिए होगा ₹473। इस तरह से अलग अलग सम एश्योर्ड अमाउंट के लिए आपको अलग अलग प्रीमियम इस टेबल में दिखाया है। जैसे कि 5 लाख का अगर आपको लेना है और आपकी एज 65 साल से ऊपर है तो आपको करीब ₹2200, 6.5 महीने का लेना है तो करीब ₹2600 से ज़्यादा और 9.5 महीने में करीब ₹3000 जितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे बेस कवर के प्रीमियम के बारे में। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भी बिल्कुल अगले टेबल की तरह ही स्लॉट दिए गए हैं, बस प्रीमियम का अंतर है क्योंकि बेस क्योंकि ऑप्शनल कवर है जो कि आपको 0.5% का डेली कैश देता है। तो इसमें 50,000 में 45 साल की उम्र तक 3.5 महीने के लिए ₹19 और 9.5 महीने के लिए ₹26। इसी तरह से 5 लाख रुपए 45 साल तक 269, 9.5 महीने के लिए ₹363 का प्रीमियम। और इसी तरह से आपको प्रीमियम देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर इतना प्रीमियम आपको पे करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रीमियम के रेट के बारे में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और प्रीमियम इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो सम इश्योर्ड 50,000, पॉलिसी पीरियड 3.5 महीने और फैमिली साइज 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड इसके लिए लिया गया है। आपको फ्लोटर डिस्काउंट भी मिलता है जो कि नीचे वाले टेबल में दिखाया गया है कि फर्स्ट मेंबर में कोई डिस्काउंट नहीं है लेकिन सेकंड मेंबर में 20%, थर्ड मेंबर में 30% और फोर्थ और ऊपर उससे आगे वाले मेंबर्स के लिए 40% फ्लोटर डिस्काउंट दिया जाता है। तो सपोज अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट मेंबर का जो प्रीमियम है बेस प्रीमियम वो ₹420 है क्योंकि एज 46 है तो इसको फ्लोटर का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बेस कवर का प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट 420 है और ऑप्शनल कवर अगर लिया है ₹23 है और फ्लोटर का डिस्काउंट भी यहाँ पर 0 है तो ऑप्शनल कवर 23 और कुल मिला के ग्रॉस प्रीमियम होता है ₹443 और उस पर GST 18% लगता है तो कुल मिला के होता है ₹523। और सेकंड मेंबर के लिए इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, थर्ड मेंबर के लिए 30% और फोर्थ ऑनवर्ड्स के लिए 40%। तो इस तरह से आपका जो प्रीमियम बनता है वो 1430 रुपये इतना प्रीमियम आपका होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। अब हम देखेंगे कि इस पॉलिसी को आप ले कैसे सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसके जरिए आप डायरेक्टली ये इंश्योरेंस खरीद सकते हो। इसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लेम प्रोसीजर के बारे में कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, आप एडमिट हो या उसके बाद में आप इस पॉलिसी के तहत क्लेम कैसे करेंगे। तो क्लेम प्रोसीजर करने के लिए आपको उसकी हेल्पलाइन पर कॉल करना रहेगा जिसके नंबर ये दिए हैं। वहाँ पर आप अपना आईडी नंबर दीजिए जो कि आप पॉलिसी आप जब खरीदते हैं तब आपको दिया जाएगा। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप आईडी कार्ड दिखाएंगे तो भी आपका काम हो सकता है। हॉस्पिटल हेल्प डेस्क से आपको प्री ऑथोराइजेशन लेना है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है और सब कुछ हॉस्पिटल के हेल्प डेस्क पर आपको देना है। अगर आपका प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है तो 24 घंटे के पहले यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना है। अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको एडमिशन के 24 घंटे के अंदर यानी कि हॉस्पिटलाइज करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल पे आप जाते हैं तो आप पहले अपनी तरह से आपको पैसे पे करना है, उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको आपका क्लेम रीइंबर्स हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हो और प्रीमियम पे करते हो सिवाय कैश प्रीमियम के तो आप सेक्शन 80D इनकम टैक्स 1961 के तहत टैक्स में छूट आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लेम प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 2006 से इंश्योरेंस के सेक्टर में कार्यरत है और इसका एक महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है क्लेम सेटलमेंट के लिए इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आप क्लेम सेटलमेंट डायरेक्ट ही स्टार से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी और महत्वपूर्ण भी लगी होगी। अगर आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से इसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।